हरियाणा में ई टेंडरिंग के मामले को लेकर चंडीगढ़ में कूच कर रहे सरपंचों को पुलिस ने पंचकुला में ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग पर सरपंच चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए हल्का बल का प्रयोग भी किया, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारी सरपंचों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थी। इसके अलावा किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी भी वहां मौजूद थे। टेंडरिंग वो जो है ये बंद करो और हमारे गांव में काम करने दो, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। और जो ये टेंडरिंग द्वारा काम कराते हैं उसमें गफलत बहुत ज़्यादा हो रही है, और कहते हैं फिर कि तुम इसको देखरेख में रखो। देखरेख में कैसे रखेंगे, सारे लोग वहाँ कैसे खड़ा रहेगा आदमी। ऐसे ई टेंडरिंग हुई है शुरू? नहीं जी, कहीं नहीं हुई, कभी हुई नहीं ना शुरू। तो क्या कह रहे हैं, मतलब कि भी उसमें कुछ शेयर आपका भी होगा, किसका कैसे? नहीं, कोई केयर नहीं, किसी का भी कोई काम नहीं। अच्छा, तो अभी क्या डिमांड कर रहे हैं? अभी यही डिमांड है भाई, इसको बंद करो। हाँ। और सरपंचों को काम दो। तो अगर सरकार नहीं मानती या कुछ नहीं, अगर वो होता, आपको रिस्पांस नहीं मिलता, तो अगला स्टेप क्या होगा? वो तो जी देखेंगे कुछ आगे की क्या बनाते हैं। ओके, तो अभी आपका जो नेता है वो कौन है, किसके साथ आए हैं, किसके नेतृत्व में आए हैं? हम तो हमारे प्रधान है आशी ब्लॉक के। कौन से जी? हांसी ब्लॉक के प्रधान है हमारे संजय। हांसी ब्लॉक के क्या नाम है, नाम क्या उनका? संजय। संजय, संजय के नेतृत्व में आया। तो कोई अभी गया है चंडीगढ़ में किसको मांग पत्र देने या कुछ किया? नहीं जी, अभी हमारे को पता नहीं हुआ है। हाँ, कोई गया है या नहीं गया। यहाँ पे वो भी आए हुए ना।